आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे व्हिसल ब्लोअर और व्हिसल ब्लोअर से संबंधित जो एक्ट हैं उनके ऊपर। तो पहली बात तो ये कि व्हिसल ब्लोअर टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत में जो व्हिसल ब्लोअर एक्ट आया 2011 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि आखिर इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर व्हिसल ब्लोअर एक्ट की आवश्यकता क्यों हुई, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और साथ में बात करेंगे कि इस एक्ट के लाने से हमारे देश में भ्रष्टाचार को कम करने में कैसे मदद मिलेगी, और व्हिसल ब्लोअर के सामने जो खतरे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए इस एक्ट में और क्या संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि ये व्हिसल ब्लोअर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आया कहाँ से। तो देखिए, ये जो व्हिसल ब्लोअर है, नाम से आप समझ ही गए होंगे कि वो लोग जो किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन जहां पर करप्शन की संभावना है या करप्शन हो रहा है, जहां पर करप्शन के प्रैक्टिसेस के कारण जनता के हितों का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में जो भी व्यक्ति आवाज उठाएगा, उसे हम कहते हैं व्हिसल ब्लोअर। तो व्हिसल ब्लोअर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, व्हिसल ब्लोअर को डिफाइन करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, ए पर्सन हु एक्सपोजेज रॉन्ग डूइंग, ए पर्सन हु एक्सपोजेज रॉन्ग डूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू इलीगल डिसऑनेस्ट एंड डेंजरस और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेज। अगर डिफाइन करना हो कि व्हिसल ब्लोअर कौन होता है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक वो व्यक्ति जो कि हु एक्सपोजेस रॉन्ग डूइंग, यानी संगठन में या संस्था में कुछ गलत हो रहा है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में, संस्था में कुछ गलत हो रहा है रिलेटिंग टू इलीगल डिसऑनेस्ट एंड डेंजरस और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, और जो गतिविधियां अपनाई जा रही हैं वो गतिविधियां बेईमान गतिविधियां हैं, यानी ईमानदार नहीं है। वो जो गतिविधियां अपनाई जा रही हैं वो डेंजरस हैं, यानी जनता के हित में नहीं है, खतरनाक हैं, और वो जो गतिविधियां अपनाई जा रही हैं वो फ्रॉडुलेंट हैं, यानी भ्रष्ट तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि वो व्यक्ति जो किसी संगठन के भीतर हो रही गलत गतिविधियों, भ्रष्ट गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है, उसे हम व्हिसल ब्लोअर कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है व्हिसल ब्लोअर का, ये पहली बार इस टर्म का उपयोग किया गया था यूएसए में। यूनाइटेड स्टेट के एक एक्टिविस्ट थे, उनका नाम था राल्फ नाडर। हो सकता है कि इससे पहले भी कुछ लोगों ने जिक्र किया हो, लेकिन ऑफिशियली जो जानकारी मिलती है वो ये कि रॉल्फ नाडर नाम के एक यूएस सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन शुरुआती तौर पर ये जो शब्द था व्हिसल ब्लोअर, ये उतना सकारात्मक यानी पॉजिटिवली नहीं लिया जाता था। तो 1970 में जाकर के उन्होंने इसमें कुछ नए शब्द जोड़े, जैसे उन्होंने इन्फॉर्मर कहना शुरू किया। इन्फॉर्मर यानी कि सूचना देने वाला, यानी संगठन में जो गलत हो रहा है उसके बारे में सूचना देने वाला। स्निच इस शब्द का भी इस्तेमाल हुआ, यानी कि इन्फॉर्मर, स्निच, व्हिसल ब्लोअर, इस तरह के शब्दों का उपयोग जो है यूनाइटेड स्टेट में शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे ये विश्व के दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो व्हिसल ब्लोअर किसे कहेंगे, इसे आपने डिफाइन कर लिया। व्हिसल ब्लोअर की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, वो भी आपके सामने आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये व्हिसल ब्लोअर किस किस तरह के हो सकते हैं। किसी संगठन के भीतर के ही लोग हैं, यानी संगठन के भीतर के ही लोग हैं, उस संगठन में काम करने वाले लोग हैं, तो उसको कह सकते हैं इंटरनल व्हिसल ब्लोअर। ऐसे लोग जो संगठन में सीधे तौर पर तो काम नहीं करते, लेकिन संगठन
बाहर रह करके भी संगठन की जानकारी रखते हैं, उस संगठन से जुड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं लाभ या हानि के भागीदार हैं, तो क्या हो गया? एक्सटर्नल व्हिसिल ब्लोअर। यानी कि व्हिसिल ब्लोअर इंटरनल भी हो सकते हैं, व्हिसिल ब्लोअर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, या व्हिसिल ब्लोअर वो व्यक्ति या संस्था भी हो सकता है जो डायरेक्टली स्वतः भागीदारी नहीं कर रहा, वो किसी तीसरे व्यक्ति से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति से जो संस्था से किसी भी प्रकार जुड़ा नहीं है उससे वो सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि यहां अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, तो वो थर्ड पार्टी व्हिसिल ब्लोअर हो गया। अब ये व्हिसिल ब्लोअर प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, निजी संस्थाओं में भी हो सकता है, निजी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर में हो सकता है, यानी कि जो सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब में भी व्हिसिल ब्लोअर हो सकते हैं। तो व्हिसिल ब्लोअर के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, ये इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के रूप में हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, और सरकारी क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर में भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक संक्षिप्त जानकारी आपको मिल जाती है कि व्हिसिल ब्लोअर आखिर करते क्या है, कौन होते हैं व्हिसिल ब्लोअर, व्हिसिल ब्लोअर का जो टर्म है वो कहां से आया। अब इसे कुछ सिंपल एग्जाम्पल से देखिए आप कि व्हिसिल ब्लोअर की जो बात हम कर रहे हैं तो कौन होता है व्हिसिल ब्लोअर। व्हिसिल ब्लोअर थे सत्येंद्र दुबे जी, जो कि सत्येंद्र दुबे जी, इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इस संस्था में ये काम करते थे। एक बहुत ही होनहार इंजीनियर थे। इन्होंने देखा कि पैसे के लेन देन को लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिस्टम करप्टेड है, सड़क कैसे भी बने लेकिन सब मिलजुल करके जो है उस करोड़ों खरबों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है सड़क को बनाने में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उस पैसे का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो करप्शन के रूप में कुछ ठेकेदार और कुछ अधिकारी मिलके खा रहे हैं। उन्होंने आवाज उठाई, परिणाम क्या हुआ? ही वॉज शॉट डेड इन गया इन ईयर 2002, वर्ष 2002 में उनकी हत्या कर दी गई। जब इसकी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि पूरी साठ गांठ यानी नेक्सस बना हुआ है पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का, और जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसे किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में तो करप्शन खत्म नहीं होगा कभी, अगर जो भी व्यक्ति आवाज उठाएगा करप्शन के विरुद्ध और उसे मार दिया जाएगा, हत्या कर दिया जाएगा, तो फिर तो वो जो सारी बातें हमने की इससे पहले के टॉपिक में कि करप्शन का कारण क्या है, करप्शन का प्रभाव कितना खतरनाक है, करप्शन को दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, परिवार का क्या रोल हो सकता है करप्शन को दूर करने में, मीडिया का क्या रोल हो सकता है, सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है, सोसाइटी का रोल क्या हो सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पिछले कुछ टॉपिक में आपसे चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए हम आपसे कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसे देखिए, उससे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और ये लिंक होती हुई टॉपिक है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और इस पर आप जो है लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो थॉट्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे एक्सपैंड करने की जिम्मेदारी भी हम उन लोगों से ही महसूस करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि ये कुछ अच्छा है और इसे प्रसारित किया जाना चाहिए। मेरे ही कुछ बच्चों ने जिन्होंने इन टॉपिक के लेक्चर को देखा, उन्होंने यही बताया कि सर जिस तरह का लेक्चर है, जिस तरह के जो बातें आप बता रहे हैं, इसके ऊपर जितनी व्यूज होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उतना व्यूज नहीं मिल पा रहा है, तो इसको एक्सपैंड कैसे किया। मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपकी तैयारी में ये मददगार साबित हो रहा है, तो आप इसे एक्सपैंड करने में मदद कीजिए, तो हमारा जो दायित्व है हम उसे पूरी तरह पूरा कर पाएंगे और आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी आप भागीदारी कर पाएंगे, क्योंकि अच्छी चीजों को एक्सपैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं और हम
हम सब लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि अच्छी चीजें एक्सपैंड होना चाहिए, तो हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर जिस तरह की लड़ाई चल रही है और करप्शन का टॉपिक, हम भाग्यशाली हैं कि यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमें ये टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है, इतना कुछ जानने को मिल रहा है। तो आइए हम सब लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और देखिए, ये जो इंजीनियर थे, इनकी हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भीतर, जो बरसों से चला आ रहा करप्शन था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। कहने का मतलब है ये व्हिसिल ब्लोअर थे। और आगे देखिए, एक यहां पर नाम मैंने लिखा है, शनमुगम मंजुनाथ। ये व्यक्ति हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करते थे और इनकी ड्यूटी ये होती थी कि पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल बेचा जाता है वो सही मात्रा में हो, उसमें कोई मिलावट नहीं हो। जब इन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से करना शुरू किया, कमीशन लेने से मना किया, तो जानते हैं क्या हुआ इनके साथ? लखीमपुर खीरी यूपी के एक क्षेत्र में इनकी हत्या कर दी गई। ही वाज शॉट डेड इन 2005 2005 में उत्तर प्रदेश में इनकी हत्या कर दी गई। यानी कि जो भी व्यक्ति करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसे जो नेक्सस है, जो माफिया है, जो गलत काम यानी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसे जिंदा ही नहीं रहने देते। बहुत सारे और भी लोग मिलेंगे आपको, जैसे देखिए एक ललित मेहता है, ये आप लोग, ये मनरेगा वाला, जो आजकल ये मनरेगा हो गया है, उस समय ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से जाना जाता था, है ना। आजकल इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं। उस समय ये NREGS था। अब ये क्या काम करते थे? सोशल ऑडिट। यानी सोशल ऑडिट का मतलब ये हुआ कि ये जगह जगह जाकर के जो करोड़ों रुपए जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत दिए जाते थे, जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर जो व्यय किए जाते थे, खर्च किए जाते थे, तो ये जाके ये देखते थे कि भाई आपने जो पैसा खर्च किया उससे लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ, उनकी शिक्षा के स्तर में, उनके रहन सहन के स्तर में, खान पान के स्तर में क्या बदलाव आया। तो ये सोशल ऑडिट करते थे। अब इन्होंने देखा कि ऐसे तमाम जिलों में जो है, अनेकों जिलों में जो है, वो पैसा खाया जा रहा है, लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा पैसा, और इन्हें भी कमीशन ऑफर किया जा रहा है। इन्होंने उसका विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि मई 14 2008 को इनकी हत्या कर दी। कहने का मतलब ये है कि जो भी इन नेक्सस के खिलाफ, करप्शन के नेक्सस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है। और भी कई नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये भी हमारे पार्लियामेंटेरियन है, ये भी समय समय पर काफी सारी ऐसी चीजें, लूप होल्स, कमजोरियां जो है उठाते रहते हैं, भाग्यशाली हैं कि ये हमारे बीच है। अरविंद केजरीवाल जी, है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इन्होंने भी जब अपने एक्टिविस्ट के रूप में ये काम करते थे, कई ऐसी कमियां निकाली, ये भी एक सोशल वर्कर के रूप में काम रहे, ये भाग्यशाली हैं कि ये अपने बीच हैं, है ना। मैंने बताया क्योंकि आप देखिए, कई सारे लोग जिन्होंने व्हिसिल ब्लोअर के रूप में काम किया, तो उनको जो है वो नेक्सस ने, वो जो करप्ट लोगों ने, उनको जो है समाप्त कर दिया। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिन्होंने संगठन के भीतर चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की। और ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही व्हिसिल ब्लोअर कहा जाता है। व्हिसिल ब्लोअर में मैंने एक नाम विभीषण का भी रखा है, ये सबसे ऊपर मैंने पहला नाम इन्हीं का रखा था। इन्होंने क्या किया, अगर रामायण के, रामचरित मानस के संदर्भ में जाकर देखेंगे और थोड़ा सोचेंगे, तो इन्होंने भी कुछ इसी तरह का काम किया। इन्होंने क्या किया, भाई रावण का जो अत्याचार था, उसका, उनका जो करप्शन था, उन्होंने जो सीता का हरण किया, और फिर जिस तरह से उनका व्यवहार था प्रजा के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, ओवरऑल वो ठीक नहीं था, गैरकानूनी था, अवैधानिक था, नैतिकता के विरुद्ध था, तो इन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। आप रामचरितमानस जो सीरियल, जो आप लोगों ने देखा होगा, उस सीरियल में आपने देखा भी होगा कि जब उन्होंने आवाज उठाई, रावण ने इन्हें जो है हटा दिया, भगा दिया, और कई बार इनकी जान को खतरा आ गया, तो ये राम के साथ जाकर के मिले और वहां पर जाकर के उन्होंने सारी चीज बताई।
और अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने राम को सामने रखा। तो देखिए ये जो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की जो आप बात करते हैं, ये तो रामचरितमानस में ऑलरेडी उल्लेख हो चुका है। भगवान राम ही उनके प्रोटेक्शन थे जिस कारण से रावण के गुस्से से वो बच पाए, क्योंकि इन्होंने व्हिसल ब्लोअर का काम किया था। और व्हिसल ब्लोअर होने के कारण इनके ऊपर लगातार इनकी जान को खतरा था, लेकिन भगवान राम ने इन्हें बचाया। तो व्हिसल ब्लोअर के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सर्वव्याप्त है, हर जगह मौजूद है। मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया कि ये तो ओबेसिटी की तरह है। आप जैसे ही इसके ऊपर ध्यान देना खत्म कम करेंगे, ये फिर से वापस आ जाएगा। तो करप्शन को खत्म करने के अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिनमें से एक तरीका हमारे पास है व्हिसल ब्लोअर एक्ट का। तो भारत में इसके ऊपर देर से ही चर्चा शुरू हुई, लेकिन हुई तो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसके ऊपर पहली बार ये आया 2011 में। अगर मैं व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं कि ये आया 2011 में। अभी मैं ये चीज आपको बता चुका हूं कि व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये संस्थाओं के जो अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको उजागर कर रहे हैं, और उस भ्रष्टाचार को दूर करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत है, वो ऐसे लोगों को खत्म करना चाहते हैं। अगर वो ऐसे लोगों को खत्म करेंगे तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? तो इसीलिए जैसे भगवान राम ने विभीषण की रक्षा की, वैसे ही हमें कुछ कानून बना करके, कुछ प्रोटेक्शन दे करके ऐसे व्हिसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इसके ऊपर पहली बार कोशिश की गई 2011 में। बहुत टाइम लगा, पहली बार जो है पास बाय इन लोकसभा इन सब 27 दिसंबर 2011। बहुत सारी कमियां थी इसमें, सुधार हुआ, काफी समय लगा। फिर ये आया राज्यसभा में 21 फरवरी 2014 में पारित हुआ, 21 फरवरी 2014। फिर थोड़ा सा समय लगा और 9 मई 2014 को और 9 मई 2014 को ये व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है अल्टीमेटली पारित कर दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट ने इन पर हस्ताक्षर कर दिए। तो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत में आया, उसकी छोटी सी कहानी यही है। लेकिन इसके ऊपर चर्चा के दौरान बहुत सारे राजनीतिक दलों ने और बहुत सारे नेताओं ने भागीदारी की और अलग-अलग तरह से सुझाव दिए। किसी ने ये सुझाव दिया कि इस एक्ट में, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है कुछ विक्टिमाइजेशन के ऊपर आप जो है विस्तृत चर्चा कीजिए, मतलब जिस व्यक्ति को नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे वो भी इसमें बताइए। इसमें यह भी जिक्र किया कि भाई आप लोकपाल, लोकायुक्त को, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को इसमें क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। तो उन बातों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे। प्रावधान ये किया गया, इस एक्ट में प्रावधान था प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट एलिग्ड करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट्स एंड प्रोटेक्ट एनी वन हु एक्सपोजेज एलिग्ड रॉन्ग डूइंग इन गवर्नमेंट बॉडीज, प्रोजेक्ट्स एंड ऑफिसेज। क्या कहा कि ये एक्ट का मकसद क्या है? तो प्रोवाइड ए मैकेनिज्म, एक तंत्र विकसित करना, एक सिस्टम विकसित करना, एक मैकेनिज्म विकसित करना टू इन्वेस्टिगेट एलिग्ड करप्शन, यानी वो जो करप्शन यानी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना। नंबर टू, मिसयूज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर करप्शन को जब डिफाइन कर रहे थे तो यही बात कही थी वहां पर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, मिसयूज ऑफ पावर बाय पब्लिक सर्वेंट इन हिज ओन इंटरेस्ट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो पावर है, जो पब्लिक पावर उसको मिला हुआ है, उस पावर को अपने हित में वो उपयोग करने लग जाता है जनता के हित के बजाय, तो ये भी करप्शन हुआ। तो इसको जो है इसको लेकर के भी इन्वेस्टिगेट करना है। प्रोटेक्ट एनी वन, कोई भी वो व्यक्ति, प्रोटेक्ट एनी वन हु एक्सपोजेज एलिग्ड रॉन्ग डूइंग, कोई भी वो व्यक्ति जो संस्था या किसी संगठन में जो कुछ गलत हो रहा है उसको वो क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, यानी कि जनता को बताएंगे,
जनता के सामने लाएंगे, मीडिया के सामने लाएंगे, एक्सपोज करेंगे कि भाई यहाँ ये गलत हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज में हो, प्रोजेक्ट में हो या किसी भी ऑफिस में हो। तो कोई भी वो व्यक्ति जो गलत चीजों को, गैर कानूनी चीजों को संगठन के भीतर हो रहे, कोई भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाएंगे, लाइट में लाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी इस एक्ट के माध्यम से की जाती है। रॉन्ग डूइंग माइट बी इन फॉर्म ऑफ फ्रॉड। अब वो गलत क्या क्या हो सकता है? तो फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड, करप्शन, करप्शन जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं, घोटाला हो सकता है, करप्शन हो सकता है, मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंधन, सही ढंग से प्रबंध नहीं किया जा रहा है काम को, उससे भी तो नुकसान हो रहा है ना। अगर किसी संस्था का जो प्रबंधक है, मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ठीक से प्रबंध नहीं कर रहा है, मिसमैनेज कर रहा है, तो ये भी नुकसान है। द एक्ट ऑल्सो एंश्योर पनिशमेंट फॉर फॉल्स फ्रिवलेस कंप्लेंट्स। और साथ ही साथ इस एक्ट में ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई झूठा, तुच्छ, बेकार सा कोई शिकायत लेकर आता है जिसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, केवल शिकायत करने के नजरिए से काम कर रहा है, तो उसको जो है पनिश भी किया जा सकता है। तो जहां एक तरफ सही ढंग से चीजों को लाइट में लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, वहीं पर गलत ढंग से चीजों को, यानी गलत चीजों को प्रकाश में लाने के लिए पनिश करने की बात भी इसमें की गई है। कुल मिलाकर देखिए इस एक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, संक्षेप में देखते हैं इनकी विशेषताओं को। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताया कि दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स व्हिसिल ब्लोअर, पहली बात तो ये कि इस एक्ट से व्हिसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। कैसे प्रोटेक्ट होगा ये अलग मसला है, लेकिन कहा गया कि कोई भी व्हिसिल ब्लोअर है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसको सुरक्षा देना जरूरी है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए सरकार को आश्वस्त करना जरूरी है, नहीं तो क्यों कोई व्हिसिल ब्लोइंग करेगा। तो इसीलिए प्रोटेक्ट व्हिसिल ब्लोअर पहली चीज। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट, एनी अदर पर्सन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक सच डिस्क्लोजर टू सेंट्रल एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन। दूसरी बात ये बताया कि कोई पब्लिक सर्वेंट हो किसी संस्था के अंदर, कोई लोक सेवक हो सकता है, कोई जो कोई लोक सेवक के अलावा, पब्लिक सर्वेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एनी पर्सन जो हमारे देश का नागरिक है, सिटीजन है, कोई भी व्यक्ति, और उसे लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है, गलत काम हो रहा है, और क्या हो सकता है, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, नॉन एनजीओ जो हैं, वो भी हो सकते हैं, और वो सब व्यक्ति, वो सिविल सर्वेंट, वो एनजीओ जनता के सामने, मीडिया के सामने अपनी बात तो रख ही सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वे में उनको चीजों को डिस्क्लोज करना है तो सेंट्रल एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन के सामने उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, मटेरियल को लाना पड़ेगा, अपनी बात को बताना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रॉपर वे में जो है व्हिसिल ब्लोअर एक्ट के मुताबिक काम होगा। तो यहां पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसको कि पहली चीज तो देखिए इस एक्ट का मकसद ये है कि व्हिसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरी बात ये है कि व्हिसिल ब्लोअर कौन होगा, तो वो पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है, वो कोई भी हमारे देश का नागरिक हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है, और साथ ही साथ कोई एनजीओ हो सकता है, और वो जो संस्थाएं हैं अगर वो सेंट्रल या स्टेट विजिलेंस कमीशन को अपनी बात बताते हैं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि इससे प्रॉपर वे में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसे नियंत्रित करने का लाभ मिलेगा। एवरी कंप्लेंट्स हैज टू आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। एक बात और ध्यान रखना है कि जितने भी शिकायतें आएंगी उन शिकायतों में एक आइडेंटिटी जरूर होना चाहिए, यानी एनोनिमस होने से काम नहीं चलेगा। अगर एनोनिमस है तो कार्यवाही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर कंप्लेनेंट यानी शिकायतकर्ता ने अपनी आइडेंटिटी के साथ शिकायत की है तो आप ये मानकर चलिए कि उस पर कार्यवाही होगी, होगी जांच होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी निर्धारित है, निश्चित है, और उसने
पूरा सोच समझ करके निश्चित तरीके से उसने शिकायत की है। तो ये चीज भी इसमें आ जाता है कि आइडेंटिटी होना जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि भाई आइडेंटिटी हो जाएगा तो फिर उस व्यक्ति को तो फिर जो नेक्सस करने वाले लोग हैं, करप्शन करने वाले लोग हैं, उनके आंखों की किरकिरी हो जाएगा, वो तो उनका दुश्मन हो जाएगा। लेकिन इस एक्ट में वो भी व्यवस्था की गई है कि विजिलेंस कमीशन शैल नॉट डिस्क्लोज आइडेंटिटी एक्सेप्ट टू हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही डीम्स टू नेसेसरी। ये भी कहा गया है विजिलेंस कमीशन शैल नॉट डिस्क्लोज आइडेंटिटी। विजिलेंस कमीशन जो है वो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन जो भी विभाग का प्रमुख है वो बहुत जरूरी नहीं हो गया हो उस आइडेंटिटी को जानना। तो इस तरह से भी विजिलेंस कमीशन जो है आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है या स्टेट विजिलेंस कमीशन है वो जो भी व्यक्ति कंप्लेनेंट होगा, जो शिकायत करता होगा, उसके आइडेंटिटी को वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे तब तक जब तक कि बहुत जरूरी ना हो गया हो किसी विभाग के हेड के द्वारा। एकदम बिल्कुल जरूरी हो गया हो कि भाई ये थोड़ा नाम बता ही दीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड हमें ये फंक्शन करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शिकायतकर्ता आइडेंटिटी के साथ शिकायत करते हैं विजिलेंस कमीशन में तो उनका नाम आसानी से डिस्क्लोज नहीं होने वाला है। और एक्ट पेनलाइजेज एनी पर्सन हु हैज डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट। और अगर मान लीजिए धोखाधड़ी से गलत तरीके से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्लेनेंट यानी जिसने शिकायत की है वो चोरी से उसका नाम पता करके उन जो है भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को जाके बता देंगे। और अगर ये पता चल गया कि किसने नाम डिस्क्लोज किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, पेनलाइज किया जा सकता है, उसे दंडित किया जा सकता है। तो ये डर, मतलब जो व्हिसल ब्लोअर है उनके मन में ये डर कि हमारा नाम डिस्क्लोज हो जाएगा, हमें संगठन में बदनाम किया जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा, इन सब डर को कम करने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई है। और सबसे पहले पॉइंट में तो मैंने यही बताया कि दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स व्हिसल ब्लोअर। सबसे पहली चीज ये है कि व्हिसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना ही करना है। एक्ट प्रेस्क्राइब्स पेनल्टीज फॉर नोइंगली मेकिंग फॉल्स कंप्लेन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर डेलिबरेटली नोइंगली यानी जानबूझकर उसे पता है जानबूझकर जो है गलत मतलब फॉल्स कंप्लेन करता है, झूठी शिकायत करता है, झूठी जो है भ्रष्टाचार की जानकारी देता है, इससे क्या होगा? सिस्टम का दुरुपयोग होगा, सिस्टम को परेशानी होगी। तो ऐसे लोगों को रोकना भी जरूरी है। तो इस एक्ट में ये भी प्रावधान किया कि भाई झूठा अगर आप जो है झूठा शिकायत करोगे या किसी को बदनाम करने की कोशिश करोगे जबकि वो ऑनेस्ट है, भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, आपके पास कोई तथ्य भी नहीं है, कोई आंकड़े भी नहीं है और आप जबरदस्ती किसी को परेशान करने के लिए इस उद्देश्य से काम कर रहे हो कि किसी को परेशानी हो, तो भाई ये नहीं चलेगा। एक्ट प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज फॉर नोइंगली मेकिंग फॉल्स कंप्लेंट्स। अगर झूठी शिकायत की जाती है, गलत शिकायत की जाती है, तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को जो है क्या किया जा सकता है, उन्हें अगर वो नोइंगली जानबूझकर ऐसा करते हैं तो उनको दंडित किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक्ट जो है ये प्रोटेक्ट करता है व्हिसिल ब्लोअर्स को, उनकी आइडेंटिटी को जो है बचा के रखता है, जरूरत पड़ने पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं। इसके अलावा अगर झूठी शिकायत की जाती है, झूठा कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन अनावश्यक जो है उसके बारे में झूठी जानकारी दी जाती है, तो ऐसे लोगों को पेनलाइज करने में भी व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जहां तक संभव हो सकेगा जो संस्थाएं हैं यानी जो एनजीओज हैं, जो पर्संस हैं यानी कोई भी व्यक्ति या सिविल सेवक, वो सब जो है ये कंप्लेन अपनी बता सकते हैं, यानी कि व्हिसिल बजा सकते हैं। यानी कि व्हिसिल बजाना यहाँ पर मतलब क्या है? करप्शन के बारे में बताना। तो इसीलिए इस तरह से काम करते हुए व्हिसिल ब्लोअर्स जो है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
जब इस एक्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, यानी कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2011 के ऊपर जब डिस्कशन हो रहा था, तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस थे जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने इसके अलग अलग फायदे बताए। और एक सांसद जो थे उन्होंने ये भी बताया कि भाई व्हिसल ब्लोअर का मतलब ये है कि संस्था के अंदर जो लोग हैं, जो इंटरनल व्हिसल ब्लोअर हैं, वो सबसे बेस्ट व्हिसल ब्लोअर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संस्था की कमी, जो गड़बड़ियां हैं, वो बहुत अच्छी तरह उनको पता होती है। तो अगर संस्था के अंदर से कोई व्यक्ति व्हिसल ब्लोइंग कर रहा है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको सुरक्षा देने के लिए और भी इंतजाम किए जाने चाहिए। यानी कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को उनमें दबाव बनाने के लिए, उनमें डर पैदा करने के लिए व्हिसल ब्लोअर एक्ट एक बहुत अच्छा प्रावधान था। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखा कि बहुत से फायदे हमें मिल सकते हैं अगर व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट वास्तविक तौर पर क्रियान्वित कर दिया जाए, तो इससे बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। जैसे कुछ फायदे यहां पर इसीलिए बताए गए हैं कि इस एक्ट के लागू होने से क्या क्या फायदा हो सकता है। देखिए, ये सबसे बड़ा फायदा ये करेगा कि फ्रॉम फ्रॉड डिटेक्टिंग टू ट्रस्ट बिल्डिंग। तो हम भ्रष्टाचार को दूर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार अगर दूर होगा तो जनता का प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा। तो फ्रॉड डिटेक्टिंग, एक तो पता चल गया कि भाई कहाँ फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, और साथ में जनता का विश्वास बन जाएगा, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार करने जाएगा उस भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार को दूर करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और साथ में विश्वास भी बनाया जा सकता है। और देखिए क्या हो सकता है, तो एक स्टडी हुई, उस स्टडी में पाया गया कि जिन संस्थाओं में व्हिसल ब्लोअर्स थे, यानी जहां पर जिन ऑर्गेनाइजेशन में व्हिसल ब्लोअर्स काम करते थे, भ्रष्टाचार को आवाज उठाने वाले लोग होते थे, वहां पर उन संस्थाओं की तुलना में जहां पर व्हिसल ब्लोअर नहीं होते थे, उनकी तुलना में 50% करप्शन कम पाया गया। अब देखिए, ये स्टडी है, एक रिसर्च स्टडी से ये निष्कर्ष निकला कि वो संस्थाएं जहां पर की व्हिसल ब्लोअर्स थे, वहां पर यह देखा गया कि करप्शन की संख्या कम थी, करप्शन के कारण होने वाले नुकसान कम थे, वहां पर अधिकारी जो थे वो करप्शन कम करते थे, यानी कि 50% जो है लॉस वो कम होता था। यानी व्हिसल ब्लोअर का होना करप्शन को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और क्या चीज, देखिए, इनिशियल डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए संस्था के भीतर वाले इंटरनल व्हिसल ब्लोअर है, तो कोई भी फ्रॉड होने वाला है उससे पहले ही पता चल जाएगा, तो फ्रॉड ही नहीं हो पाएगा, गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, भ्रष्टाचार ही नहीं हो पाएगा। अब भ्रष्टाचार के कारण तो हमने पहले ही बहुत विस्तृत रूप से बताया आपको, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, तो व्हिसल ब्लोअर जो है वो सब संस्थाओं में रहेंगे। अगर मान लीजिए नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है रेगुलरली, मान लो हैबिचुअल करप्शन हो रहा है, तो अगर वहां पर कोई व्हिसल ब्लोअर है तो वो जाकर के शिकायत कर देगा, कंप्लेन कर देगा, यहां पर इसी तरह से जनता को परेशान किया जाता है, करप्शन किया जाता है। मान लीजिए बैंक में कोई घोटाला होने वाला है, कोई फ्रॉड होने वाला है, या कोई लगातार फ्रॉड कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, व्हिसल ब्लोअर उनके बारे में बता सकता है। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल करप्शन है, कोई ग्रैंड करप्शन होने वाला है, कोई बड़ा घाटा होने वाला है किसी क्षेत्र में, कोई बड़ा टेंडर जारी होने वाला है और वहां पे करप्शन हो रहा है, वहां पहले से ही व्हिसल ब्लोअर जो है वो विजिलेंस कमीशन को या लोकपाल या लोकायुक्त को या मीडिया में वो चीजों को एक्सपोज कर देगा। तो क्या होगा कि करप्शन होने से पहले ही वो एक्सपोज हो जाएगा, और अगर एक्सपोज हो गया तो करप्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इनिशियल डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, अनकवरिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, अगर कहीं पर लगातार कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो रही है, लगातार कोई वित्तीय अनियमितता बढ़ती जा रही है जिससे पब्लिक के फंड का नुकसान हो रहा है, सरकारी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, वो जो नेक्सस है वो अपराधी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के बीच बन रहा है, अगर वो डिस्क्लोज हो जाए तो ऑटोमेटिकली भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्योंकि अंदरूनी तौर पर
इंटरनली लोग मिलजुल करके करप्शन करते हैं। एक अकेला आदमी करप्शन नहीं कर सकता, पूरा एक नेक्सस होता है जो करप्शन के लिए तैयार होता है, और कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि जो उठाना चाहता है या जो उठाता है उसे खत्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए व्हिसिल ब्लोअर एक्ट की जरूरत है, और भ्रष्टाचार को कम करने में अगर हमने व्हिसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट कर दिया, अगर हमने व्हिसिल ब्लोअर को बढ़ावा दिया, तो भ्रष्टाचार को दूर करने में ये सबसे ताकतवर संस्था बन जाएगी। फिर हमने ये भी चीज बताया कि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, ट्रस्ट। तो बिल्डिंग ट्रस्ट गिव अपॉर्चुनिटी एवरीबॉडी, सभी लोगों को मौका देता है। ये जो एक्ट है ये सभी को मौका देता है कि भाई अगर आपको कहीं कोई करप्शन दिख रहा है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको टाइप्स बताया, इंटरनल व्हिसिल ब्लोअर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल व्हिसिल ब्लोअर भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी व्हिसिल ब्लोअर भी हो सकते हैं, एनजीओ व्हिसिल ब्लोअर भी हो सकते हैं। तो कहीं भी अगर आपको करप्शन दिख रहा है तो वो व्यक्ति यानी कहीं भी किसी भी फ्रंट पे जाके, किसी भी मोर्चे पे जाके वहां पर हो रही गड़बड़ियों का जिक्र कर सकता है, बता सकता है प्रॉपर वे में। तो चाहे वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या स्टेट विजिलेंस कमीशन को बता सकता है, और नहीं तो फेसबुक तो है ही, सोशल मीडिया तो है ही, सोशल मीडिया के अन्य स्रोत तो है ही, मीडिया तो है ही, इन सब चीजों से भी भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद मिलेगी, और व्हिसिल ब्लोअर इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही आती है कि खतरा उनके ऊपर रहता है, क्यों? क्योंकि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन व्हिसिल ब्लोअर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसे मारने की कोशिश करते, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और देखिए क्या फायदा होता है, अगर व्हिसिल ब्लोअर एक्ट है हमारे पास या व्हिसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट हम कर पा रहे हैं, तो हेल्प बिल्ड ट्रस्ट ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर। यानी अगर कोई कंपनी है, कोई उद्योग है, और वहां वो करप्शन फ्री है, वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने उस कंपनी में शेयर खरीदे हैं उन कंपनी के, वो भरोसा करेंगे और शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी की तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगा। जो एम्प्लॉय हैं उस संस्था के, जो एम्प्लॉय हैं उनको भी फायदा होगा। अगर व्हिसिल ब्लोअर है तो उस कंपनी के, उस उद्योग के, उस पब्लिक सेक्टर के, उस सरकारी संस्था के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। देखिए कर्मचारी या अधिकारी तात्कालिक फायदा देख रहे हैं, दूरगामी फायदा नहीं देख रहे हैं। दूरगामी फायदा क्या होगा, उनका समय से प्रमोशन होगा, वेतन निर्धारण, उनका वेज रिवीजन समय पे होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है, करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को भी ऐसे नहीं प्रमोट कर दिया जाता है, उसमें योग्यता, वरिष्ठता, इन सब चीजों को देखा जाता है, चापलूसी का कोई महत्व तो नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई महत्व तो नहीं है। तो फायदा किसका हो रहा है, जो योग्य लोग हैं, जो संगठन में बहुत ही डिवोटेड कर्मचारी हैं, उनको अल्टीमेटली एडवांटेज मिलेगा, और ये लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। तो अगर किसी संस्था में व्हिसिल ब्लोअर काम कर रहे हैं, तो एक तरफ जहां जनता का विश्वास बढ़ रहा है, कस्टमर्स का विश्वास बढ़ रहा है, एम्प्लॉय को लाभ हो रहा है, और स्टेक होल्डर्स जो कहीं ना कहीं उस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इससे फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए और क्या चीज फायदा मिल सकता है, तो इम्प्रूव्ड कंप्लायंस विथ लीगल एंड स्टेक होल्डर्स। इम्प्रूव्ड कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि अनुपालन करना, यानी जो कानूनी जो तौर तरीके हैं या जो रूल्स रेगुलेशन है वो प्रॉपर वे में पालन होगा, तो रूल्स रेगुलेशन का प्रॉपर वे में पालन होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा तो जनता के पैसे का नुकसान कम होगा, जनता को घूस या ब्राइब नहीं देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर व्हिसिल ब्लोअर है तो जनता को फायदा मिलेगा इस चीज का। बेनिफिट टू ह्यूमन रिसोर्स एंड बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो मानव संसाधन है उसको भी बढ़ने का मौका मिलता है। जो संस्थाएं करप्शन फ्री होती हैं, जहां पर व्हिसिल ब्लोअर का प्रभाव होता है, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद मिलती है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, यानी कि वो संस्था जो है, चूंकि करप्शन नहीं है तो वो संस्था फोकस करेगी, उनके अधिकारी फोकस करेंगे कि हम कैसे अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें,
उनको बेहतर से बेहतर आगे बढ़ाने का मौका दें, उनको एजुकेट करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर व्हिसिल ब्लोअर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वे में काम करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा, यानी कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी ये लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा नुकसान जो है हमारे पर्यावरण को ये भ्रष्टाचार के कारण ही होता है। तो आप देखिए, ये व्हिसिल ब्लोअर एक्ट, व्हिसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना किस तरह से करप्शन को दूर करता है, और करप्शन को दूर करने के तरीके से अल्टीमेटली उस संस्था को लाभ पहुंचाता है, उसको प्रॉफिट में ले आता है, जनता का विश्वास बढ़ा देता है, उसके शेयर होल्डर्स का विश्वास बढ़ा देता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मदद कर देता है, और अल्टीमेटली उस संस्था का विकास सुनिश्चित हो जाता है। तो इसीलिए व्हिसिल ब्लोअर को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि व्हिसिल ब्लोअर को देश के विकास का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो व्हिसिल ब्लोअर हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन जो एक्ट हमने अभी पढ़ा 2011 का, जिसे अल्टीमेटली 9 मई 2014 को पारित किया गया, विच वॉज पास्ट इन 9th मई 2014, तो उसमें काफी समय लगा, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, और अल्टीमेटली जाकर के वो पहुंचा किनके पास? वो पहुंचा राष्ट्रपति के पास, और फिर वो एक्ट पारित हुआ। तो एक्ट के पारित होने के बाद भी इसके ऊपर चर्चा होती रही। क्यों क्यों चर्चा होती रही? इसलिए चर्चा होती रही क्योंकि इस एक्ट में कई कमियां थी, और लोग ये चाहते थे कि इन कमियों को दूर किया जाए। तो देखिए क्या कमियां थी, और अगर इन्हें दूर कर दिया जाए तो व्हिसिल ब्लोअर एक्ट और मजबूत हो जाएगा, व्हिसिल ब्लोअर का काम करना और आसान हो जाएगा, और व्हिसिल ब्लोअर का प्रोटेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्हिसिल ब्लोअर के फायदे तो देखे। अब हम इन फायदों से सहमत हैं कि हाँ भाई, इससे फायदा हो सकता है, तो अगर फायदा है तो उसे बेहतर बनाओ, उस एक्ट को बेहतर बनाओ। तो क्या कमियां हैं, पहले देखिए ड्रॉबैक क्या है उस एक्ट में। फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो उस एक्ट में जो प्रावधान है इंसेंटिव का, फाइनेंशियल इंसेंटिव का उसमें अभाव है। उस एक्ट में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी वित्तीय प्रोत्साहन है ही नहीं। यानी कि अगर कोई व्हिसिल ब्लोअर काम कर रहा है तो बेचारे को तो रिस्क ही रिस्क है, जान को खतरा है, दुश्मनी मोल लेना है, संस्था के ऑर्गेनाइजेशन और कोलिग्स में उसकी बदनामी होने वाली है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो मिलजुल करके उसे ही बदनाम कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट को बेहतर बनाने के लिए हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे उनको जो व्हिसिल ब्लोइंग करते हैं। तो कमी क्या हो गई? नो फाइनेंशियल इंसेंटिव। और इसमें सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा? सुधार के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए आप, क्योंकि जब अभी मैं एक्ट की बात कर रहा था तो वहां पर कहीं ये बात नहीं आई कि व्हिसिल ब्लोअर को हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे, या जो व्हिसिल ब्लोइंग का काम करेंगे उनको जो है हम जो है कुछ उस संस्था में पदोन्नति देंगे या उनको अतिरिक्त लाभ देंगे, ऐसी तो कोई बात कही नहीं थी। तो इसीलिए इसमें सुधार की सिफारिश कुछ लोगों ने की है। नॉट डील्स विथ कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर। अब ये जब व्हिसिल ब्लोइंग की बात होती है तो केवल गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, भाई प्राइवेट सेक्टर में तो करप्शन होता है ना, और प्राइवेट सेक्टर का करप्शन भी तो पब्लिक को नुकसान पहुंचाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी तो करप्शन होता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी तो बहुत सारा करप्शन होता है, पॉलिटिकल करप्शन होता है, कॉर्पोरेट करप्शन होता है, सब पढ़ा है आपने। तो अगर ये करप्शन को अगर व्हिसल ब्लोइंग में शामिल नहीं करेंगे तो भारत में करप्शन को दूर करने का काम अधूरा रह जाएगा। तो इसको, इस कमी को कैसे दूर करेंगे? अगर उस एक्ट में यानी 2011 का जो एक्ट है उस एक्ट में अगर अमेंडमेंट किया जाए और उसमें कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल कर लिया जाए तो और मजबूत कानून बन जाएगा, और प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर में जो करप्शन होता है उसको दूर करने में भी मदद मिलेगी। और देखिए क्या कमी देखी गई है, और एक कमी ये हुई कि जो विक्टिमाइजेशन की डेफिनेशन है इसमें स्पष्ट नहीं है। विक्टिमाइजेशन मतलब जो भी व्यक्ति व्हिसिल ब्लोअर है, अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है, उसके परिवार पर कोई हमला होता है, उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, और ऐसा होता है,
कई बार ऐसा हुआ, व्यापम घोटाले से संबंधित कई ऐसे व्हिसिल ब्लोअर्स थे, उनको उनके ऊपर हमला हुआ, संयोग से कुछ बच गए और कुछ मारे गए। तो वो जो विक्टिम्स हैं उनको क्या, कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, उनको क्या आप लाभ देंगे, उनके परिवार को कैसे मदद करेंगे, ये कहाँ डिफाइन है एक्ट में? अब ये डिफाइन नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा, बेचारा जो भी व्हिसिल ब्लोअर है मारा जाएगा, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, पिटाई कर दी जाएगी, उसके घर परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उसको कौन भरपाई करेगा? तो एक्ट में प्रावधान करना पड़ेगा ना कि विक्टिमाइजेशन अगर होता है तो उसके परिवार को और उस व्हिसिल ब्लोअर को किस तरह से मदद दी जाएगी। ये भी एक पॉइंट है जो उस एक्ट में ऐड होना चाहिए। और भी बात देखिए, हम जब एक्ट की बात कर रहे थे 2011 की, तो उसमें हमने कहा था एनोनिमस कंप्लेन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रावधान है कि आइडेंटिटी होना चाहिए, कंप्लेनेंट का आइडेंटिटी होना चाहिए, शिकायतकर्ता जो है वो अपनी आइडेंटिटी दे, और एनोनिमस कंप्लेन का कोई मतलब ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है लोग शिकायत तो करना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं देना चाहते हैं, है ना, अपना नाम एक्सपोज नहीं करना चाहते क्योंकि डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि विक्टिमाइजेशन परिभाषित ही नहीं है, डरते इसलिए हैं क्योंकि कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव की व्यवस्था ही नहीं है, डरते इसलिए हैं क्योंकि कोई प्रोटेक्टिव एजेंसी का पता नहीं है। कौन प्रोटेक्ट करेगा हमको? पुलिस प्रोटेक्ट करेगी, कौन बचाएगा हमको अगर कोई घटना घट जाती है तो हम किसके पास जाएं? यानी व्हिसिल ब्लोअर ये प्रश्न करता है कि भाई हमें कैसे बचाओगे आप, वो एजेंसी कहाँ है, वो संस्था कहाँ है जो हमें स्पेशली इसके लिए हमें बता सके कि आप हमारे पास आइए हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं एनोनिमस, पता तो है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है और जो इंटरनल जो आदमी काम कर रहा है उसे ज्यादा पता होता है, तो एनोनिमस जो लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए, भाई पता तो चल रहा है ना करप्शन कहाँ से आ रहा है, तो ये जो है पता चल जाएगा तो एक सीमा तक उन्हें भी मौका दिया जाए। सो इसीलिए एनोनिमस कंप्लेन्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट की सीमा में कहीं भी एनोनिमस कंप्लेन को ध्यान नहीं दिया गया है, विक्टिमाइजेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर को शामिल नहीं किया गया है, ये इसके अलावा जो व्हिसिल ब्लोअर्स हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात नहीं की गई है। तो ये सब जो कमियां हैं इनको दूर किए बिना ये एक्ट मजबूत नहीं हो सकता। और भी दो तीन बात है, एक और हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 आप लोग जानते हैं, ये एक्ट जो है ये भी करप्शन और जनता की शिकायतों के लिए ही बनाया गया है। लोकपाल की ऑलरेडी राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट होता है और लोकायुक्त तो राज्यों में काम करते हैं, ये करप्शन और पब्लिक ग्रीवेंस के लिए काम करते हैं। और हमारा जो ये व्हिसिल ब्लोअर है, व्हिसिल ब्लोअर एक्ट है, ये भी तो करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था को भी तो कहीं ना कहीं इसमें जगह दी जानी चाहिए इस एक्ट में, कि अगर व्हिसिल ब्लोअर चाहे तो लोकपाल लोकायुक्त के पास जा सकते हैं, इससे ये एक्ट जो है मजबूत होता और व्हिसिल ब्लोअर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, लेकिन इस एक्ट में ये प्रावधान नहीं है तो ये भी एक कमी हो गई। और साथ ही साथ प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इन कंप्लेन इज नॉट क्लियर, अगर कंप्लेन होती है, अगर व्हिसिल ब्लोअर कोई बात उठाते हैं तो उसकी इंक्वायरी कैसे करेंगे, किस तरीके से कौन कौन अधिकारी जाएंगे, जांच करने वाले लोग कौन होंगे, किस विभाग के कौन जांच अधिकारी होंगे, इंक्वायरी ऑफिसर होंगे, किनको पावर दिया जाएगा, ये सब बातें भी तो बताइए एक्ट में, नहीं तो एक्ट अधूरा लगता है, इसीलिए ये कमी भी उसमें बताई गई। अब इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर, कीपिंग दीज ड्रॉबैक्स इन माइंड, देयर वर सम सजेशंस वर गिवन, कुछ एडवाइस किया जाता है। क्या एडवाइस किया जाता है? तो सके सबसे पहले तो ये है कि इस एक्ट के बारे में, यानी कि प्रिवेंट रोल ऑफ व्हिसिल ब्लोअर एक्ट, यानी कि व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जनता को पता चलना चाहिए। इवन यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके कर्मचारियों को ही नहीं पता। तो सबसे पहली चीज ये है कि ऐसे सेमिनार्स और ऐसी गतिविधियां एक्टिविटीज की जाएं जिससे लोगों को ये पता चले, जिससे संस्था के कर्मचारियों और अधिकारियों को ये पता चले कि करप्शन
जो पता चले कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने का एक कानून है। लोगों को पता होना चाहिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरी बात, इंक्लूड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड किया जाए, कॉरपोरेट सेक्टर को इंक्लूड किया जाए, इससे भ्रष्टाचार को पकड़ने और भ्रष्टाचार का जो व्यापक दायरा है उसे कम करने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा नुकसान इन क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार के कारण होता है, तो इसको भी हमें इस एरिया में लेना पड़ेगा इस एक्ट के अंतर्गत। गिव इंसेंटिव्स टू व्हिसिल ब्लोअर, जो मैंने ऊपर बताया था कि अगर कोई इतना बड़ा रिस्की काम कर रहा है, करप्शन के चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी थोड़ी मदद कीजिए। वो बेचारे जो है, अब हो सकता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा हो उस संस्था के द्वारा, तो उन्हें थोड़ा फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की भी व्यवस्था की जाए, उन्हें पुरस्कृत और उन्हें पुरस्कृत यानी अवार्ड देने की भी और प्रतिष्ठा और सम्मान देने की भी बात की जाए, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ऊपर भी हमने बताया था कि विक्टिमाइजेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, तो विक्टिमाइजेशन को भी इसमें डिफाइन करने की जरूरत है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, अगर उसके परिवार के सदस्यों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, हिंसा की जाती है उनके खिलाफ, तो किस तरह से उनको संरक्षण यानी प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा, कौन कौन सी संस्थाएं या एजेंसी उन्हें मदद करेगी, इसका प्रावधान भी एक्ट में किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और सुधार की जरूरत है, मेक प्रोविजन फॉर एनोनिमस डिस्क्लोजर। जैसे कि हमने एक्ट में देखा था कि उसमें आइडेंटिटी जो है होना जरूरी है, आइडेंटिटी के साथ ही भेजना पड़ता है, और आइडेंटिटी को ठीक है विजिलेंस कमीशन ने बोला है कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा आसानी से, उसके बावजूद भी कई लोग डरे रहते हैं, तो ठीक है अगर ऐसा है तो एनोनिमस यानी कि जिसमें नाम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, अगर वो भी कोई भ्रष्टाचार को डिस्क्लोज करते हैं तो ठीक है, देखा जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, अगर नहीं है भ्रष्टाचार तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ जानकारी मिल जाती करप्शन की तो ये भी एक बड़ा स्टेप होगा, तो हमारे लिए ये भी भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन एजेंसी। अब ये बात जो है मैंने ऊपर जिक्र की है कि भाई वो जो व्हिसिल ब्लोअर है वो चाह रहा है कि मुझे अच्छी तरह पता हो कि अगर मैं व्हिसिल ब्लोइंग का काम कर रहा हूं, अगर मैं भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूं, चाहे किसी भी विभाग में हो, हर एक जगह पर हर एक संस्था में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो एश्योर करे कि व्हिसिल ब्लोअर को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षा के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें मदद की जाएगी। तो प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन एजेंसी भी करिए ना, इसमें इंक्लूड करिए इस एक्ट में, क्या प्रॉब्लम है, तो इससे और इस एक्ट मजबूत होगा। और साथ ही साथ इंक्लूड लोकपाल एंड लोकायुक्त इन दिस एक्ट। अगर लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था को इस एक्ट में शामिल कर लिया जाए कि जो व्हिसिल ब्लोअर हैं वो अपनी शिकायत लोकपाल लोकायुक्त तक भी पहुंचा सकते हैं, या कोई भी व्हिसिल ब्लोअर लोकपाल लोकायुक्त में जो है अपनी बात रख सकते हैं, तो ये एक्ट और मजबूत हो जाएगा और इस तरह से करप्शन का जो चेन है, करप्शन की जो भयावहता है, जो गंभीरता है, उसे दूर करने में व्हिसिल ब्लोअर ज्यादा मदद कर पाएंगे। इस तरह से आपने यहाँ देखा कि हमारा जो एक्ट है 2011 का, वो उस एक्ट में बहुत सारे फायदे हैं, एडवांटेज हमें मिले है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग में फायदा मिला, करप्ट ऑफिसर्स के अंदर डर पैदा हुआ है ना, जो कस्टमर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और साथ ही साथ जनता को, एम्प्लॉय को, एनवायरमेंट को, सबको एडवांटेज मिल रहा है व्हिसिल ब्लोइंग एक्ट के माध्यम से और व्हिसिल ब्लोअर के काम करने से। लेकिन क्या इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्या इसका कोई नुकसान नहीं है, तो है, इसे कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। किसको देखिए, एक तो ये डिसएडवांटेज होता है कि ऐसे लोग जो व्हिसिल ब्लोअर हैं उनकी नौकरी हमेशा खतरे में रहती, समस्या रहती है उनके साथ कि उनकी नौकरी जो है वो खतरे में बनी रहती, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े चालाक होते हैं और वो कुछ इस तरीके से
इस तरीके से पूरा आडंबर बना लेते हैं कि वही ईमानदार हैं और वो व्हिसिल ब्लोअर को बेईमान साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। अगर हमारे पास इतना मजबूत कानून होगा, जैसा कि मैंने इसमें सुझाव भी दिया है, अगर इतना मजबूत कानून होगा तो व्हिसिल ब्लोअर को डरने की जरूरत नहीं है, उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी, उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलेगा, प्रॉपर एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा भी मिलेगा और इस तरह से भ्रष्टाचार को दूर करने में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सम्मानित भी किया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज यही है कि जो भी व्यक्ति व्हिसिल ब्लोअर होता है वो उसकी नौकरी संकट में होती है और इसी कारण से कई बार लोग आवाज नहीं उठाते हैं और इस तरह से ये एक समस्या होगी। दूसरी ये होती है कि जब व्हिसिल ब्लोइंग होता है, यानी कि किसी संस्था के भीतर अगर व्हिसिल ब्लोइंग होता है, यानी कि भ्रष्टाचार की आवाज उठाई जाती है, तो देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ जाती है, लीगल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, उसकी जांच परख जो है बहुत बढ़ जाती है, उसमें इंक्वायरी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, अधिकारियों को बुलाया जाएगा, व्हिसिल ब्लोअर को बुलाया जाएगा, यानी कि संस्था अपने मुख्य काम से हटकर उसी काम में लग जाती है। तो कई बार जो है संगठन का जो उद्देश्य होता है, संस्था का जो उद्देश्य होता है, वो कमजोर पड़ने लग जाता है और व्हिसिल ब्लोइंग ज्यादा मजबूत हो जाता है। और कोई भी कई बार क्या होता है, झूठा व्हिसिल ब्लोइंग हो जाता है, झूठ के लोग जो है भ्रष्टाचार के, उनके पास कोई तथ्य होते नहीं, आंकड़े होते नहीं है और आरोप लगा देते हैं। अब जांच तो होगी, कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी, अब इसके कारण नुकसान क्या होगा, और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई करप्शन नहीं था, पूरी ईमानदारी से काम हो रहा था। तो कई बार करप्शन नहीं होने के बावजूद भी व्हिसिल ब्लोअर जो है वो बातों को उठा देते, तो इसीलिए फॉल्स एक्टिविटी को रोकने के लिए भी इसमें एक्ट में प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो इस तरह से एक तो ये होता है इसमें डिसएडवांटेज कि लीगल एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं, दूसरा ये कि जो व्हिसिल ब्लोअर्स रहते हैं उनके जान को खतरा रहता है, उनके साथ समस्या रहती है, उनकी नौकरी जो है वो समस्या में बनी रहती है। लेकिन अल्टीमेटली जैसा कि हमने पिछले कई क्लासेज में, कई वीडियोज में आपको बताया है कि करप्शन कोई इंडिविजुअल नहीं है, करप्शन पूरी सोसाइटी के लिए खतरनाक है, करप्शन जो है पूरे देश के लिए खतरनाक है, पूरी कंट्री के लिए घातक है, ये करप्टस है, यानी कि डिस्ट्रॉय करने वाली चीज है। इसीलिए इस करप्टस को, इस करप्शन को रोकने के जितने भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि हमने मीडिया के बारे में बताया, सोशल मीडिया बताया, सोसाइटी बताया, सिविल सोसाइटी बताया, फैमिली बताया, और आज आपको व्हिसिल ब्लोअर के बारे में बताया, व्हिसिल ब्लोअर जो एक्ट है 2011 का उसके बारे में भी जिक्र किया, साथ ही साथ ये भी बताया कि इस एक्ट के पारित होने से क्या क्या हमें लाभ मिल सकते हैं, और साथ ही ये भी हमने यहाँ पर देखा कि इस एक्ट में क्या और संशोधन कर दिया जाए तो व्हिसिल ब्लोअर एक्ट और मजबूत हो जाएगा और व्हिसिल ब्लोअर और मजबूती के साथ काम करने लगेंगे और करप्शन को दूर करने में मदद मिलेगी, और इस तरह से व्हिसिल ब्लोइंग एक्ट भी करप्शन को दूर करने का एक मजबूत साधन हमारे पास है और हो सकता है। धन्यवाद।